नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फैशन मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग प्रोसेस के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बेसिक टॉप विथ ड्रेस, जिससे कि आप टॉप भी बना सकते हैं और ड्रेस भी बना सकते हैं इसके हिसाब से, तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये विशेष करके जो है, खास करके प्रिंसेस लाइन का एक टॉप बनाया गया है, ये देखिए, जिसमें आपको ये और ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आपका डार्ट निकला हुआ है। अब यहाँ से आप ये देखिए कि 2.5 सेंटीमीटर का जो है आपका ये डार्ट यहाँ आर्मोल से निकाला गया है, और 5.5 सेंटीमीटर का जो है ये आपका बॉटम से निकाला गया है। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखिए कि हमारी जो एक मेन लाइन जो है, ये हमारी सीधी लाइन है। ये सीधी लाइन के बाद में हमने यहाँ से क्या किया कि हमने पहले नेक ड्रॉप रखा। नेक ड्रॉप हमारा जो है, ये हमारा टोटल 16 सेंटीमीटर, इसका आधा 8 सेंटीमीटर, ये देखिए कि हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहीं से हम इसका जो है शोल्डर मेजर करते हैं, तो शोल्डर हमारा ये 9 सेंटीमीटर है। शोल्डर स्लोप जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। हाफ शोल्डर हमारा जो है ये लगभग 12 सेंटीमीटर का है। अब ये हमारा एक सेंटर फ्रंट है। जब हम इसको बनाएंगे तो हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद में हम इसको बनाएंगे। और ये हमारा जो है, यहाँ से देखिए आप, हमारा एच पी एस से जो है हमारा ये नेक ड्रॉप जो है यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर है एच पी एस सीम से। ये हमारी जो एच पी एस सीम है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, और यहीं सी से हमारा जो है ये 15 सेंटीमीटर हमारा जो है ये इसका अक्रॉस फ्रंट है। अक्रॉस फ्रंट जो हमने इसका लिया है, ये हमारा 33 सेंटीमीटर के करीब है ये। और हमारा जो ये फ्रंट का लेंथ जो है, ये हमारा यहाँ तक देखिए कि एच पी एस से, और हमारा यहाँ जो स्क्रीन का जो है ये 42.5 सेंटीमीटर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, आप देखिए कि इसकी बैक और फ्रंट दोनों की चेस्ट में जो है इतना अंतर होता है, इसमें कम से कम ये तो 9 सेंटीमीटर का फर्क है। बैक आपकी जो है वो 9 सेंटीमीटर छोटी होगी और फ्रंट आपका 9 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो इसलिए जो है इसके अंदर फ्रंट में हम किसी प्रकार की कोई लूजिंग जो है वो नहीं देखते हैं। ये हमारी फ्रंट जो है पूरा जो है वैसे पूरा टोटल जो है हमारा फ्लैट गारमेंट्स जब होगा तो हमारा 55 सेंटीमीटर होगा। अगर हम हाफ में हाफ फोल्ड करके इसको बना रहे हैं कि हमारा 27.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ से, और ये आर्म होल से 2.5 से 3 सेंटीमीटर हम इसको नीचे देते हैं। जहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये 2.5 या 3 सेंटीमीटर भी हम ये मान करके चलिए कि 3 सेंटीमीटर पे हमारा जो है बस्ट आती है नीचे। और जब हम यहाँ से देखते हैं एच पी एस से, और हमारा जो निपल पॉइंट होता है ये हमारा 26 से 27 सेंटीमीटर के बीच में आता है। तो ये हमारा इसमें जो है लगभग 26 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर ये आया है। तो और इसी तरीके से जो हमारी वेस्ट है, ये देखिए वेस्ट लाइन जो है ये हमारी, ये फ्रंट की वेस्ट जो है ये हमारी 42 सेंटीमीटर है यहाँ पर। क्योंकि वैसे हमारी जो इसकी वेस्ट जो होगी फ्रंट की, ये हमारी फ्रंट वेस्ट जो है यहाँ लगभग 36.5 से 37 सेंटीमीटर के करीब होगी, और जो कि हमने यहाँ पे इसके अंदर लगभग 5 सेंटीमीटर जो है वो फालतू एक्स्ट्रा हमने एक लूजिंग दिया है। लूजिंग देने के बाद में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये हमारी साइड है। अब कोई भी लेडीज अगर इस गारमेंट को पहनती है तो वो पहन नहीं सकती, क्योंकि शोल्डर से नीचे नहीं उतरेगा, और जब तक शोल्डर से नीचे नहीं उतरेगा वो पहन नहीं पाएगी। इसलिए जो है यहाँ पर जो है हमें साइड में एक जिप डाल सकते हैं, तो हम इसमें जिप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी जिप आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ अक्रॉस फ्रंट जो है ये आप, मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि अक्रॉस फ्रंट जो है ये 33.5 से 34 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रंट नेक ड्रॉप जो है 7 सेंटीमीटर, और एच पी एस से हमारा जो अक्रॉस फ्रंट है 15 सेंटीमीटर, एच पी एस से हमारा आर्म होल डेप्थ जो है वो 24.5 सेंटीमीटर यानी कि 24.5 सेंटीमीटर,
और आपका बेस्ट जो है ये आपका हमारा जो है 42.5 सेंटीमीटर 42.5 सेंटीमीटर पर हमारा यहाँ पर ये आता है। इस तरीके से हमारा जो है ये फ्रंट का बैक ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये हमारी एक बाजू है। अब ये जो नोच आप देख रहे हैं ये नोच हमारे बैक के सीम में, जो हमारी बैक की सीम होगी वो यहाँ पर होगी, दूसरा ये हमारा ऊपर एक निशान होगा ये वहाँ पर ऊपर से मिलेगा। ये नोच आप देख रहे हैं ये नोच हमारा इस सिलाई से मिलेगा आकर के, और ये हमारा नोच जो है ये हमारा सेंटर सीम से शोल्डर पे मिलेगा आकर के, और यहाँ पर ये हमने इसके अंदर से एक गाँट निकाल दिया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है। ये हमारी बाजू की लेंथ जो है ये हमारी 16 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से हमने जो है इसमें जो कैप हाइट जो लिया है वो हमारा 14.5 सेंटीमीटर है, और हमारा स्लीव विड्थ जो है जो आर्म विड्थ जो कहलाता है ये हमारा 35 सेंटीमीटर सर्कम में है। तो इस तरीके से हमारा ये बाजू बन करके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है आप इसमें लंबा ड्रेस बनाना चाहते हैं या लंबा टॉप बनाना चाहते हैं जो भी। इसके नीचे वैसे मैं आपको एक अभी सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि हमने इसके अंदर एक स्कर्ट दिया है जो हमारा स्कर्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्गर का मतलब ये है कि ये देखिए हमने जो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लॉन्गर देने के बाद में ये हमारा निया बहुत 67 सेंटीमीटर तो मिनट हमारा जो है ये लंबा जो है एक मिनी टॉप जो है हमारा ये तैयार होगा। अब इसके अंदर हम जब ड्रेस के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम अपनी स्कर्ट की लेंथ जितनी हम चाहें उतनी जो है हम इसको रख सकते हैं। ये देखिए कि हम इसको अगर लगभग हम मान करके चले कि हम 84 सेंटीमीटर भी अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम 42 सेंटीमीटर उसमें एक स्कर्ट डाल देंगे तो हमारा ये ड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये ड्रेस और टॉप हम दोनों इसके अंदर बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें जितने भी तरह के गले बनाना चाहें वो आप गले बना सकते हैं, चाहे नेक बेल्ट आपको जितना भी बड़ा रखना हो जितना छोटा रखना हो। बेसिकली ये आपका एक बेसिक टॉप है और ये अकॉर्डिंग टू बॉडी मेजरमेंट्स है, तो इसमें आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको बनाइए और फ्यूचर में आगे बढ़िए और देखिए कि हमारा पैटर्न कोड नंबर है AD-K-001। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी मैंने आपको इसका पार्ट वन बताया था, अब मैं आपको पैटर्न कोड LD-001 का पार्ट टू पैटर्न जो है वो बताने जा रहा हूँ। और ये बैक का और इसके नीचे जो स्कर्ट लगने वाली है इन दोनों का पैटर्न है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से हमने एक ये लंबी लाइन ये लगाई, ये हमारी 90 डिग्री की है और ये हमारी लाइन जो है ये 180 की लाइन है। अब यहीं से हमने इसका एक STS पॉइंट निर्धारित कर दिया। ये हमारा STS पॉइंट से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और ये पॉइंट बनाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट जो है आर्मोर डेप्थ कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं 15 सेंटीमीटर नीचे जो हमारा अक्रॉस बैक कहलाता है, और तीसरा पॉइंट जो है ये हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट दिखाता है कि जो कि हमारा 39 सेंटीमीटर शोल्डर है और इसका हाफ शोल्डर हमारा 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक बेड है जो है ये टोटल 16 सेंटीमीटर हमारा नेक बेड बनता जा करके हाफ में ही है। इस तरीके से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। अब आप ये देखिए कि जब हमने ये सारी लाइनें आपको बता दी, ये हमारा शोल्डर पॉइंट हो गया, ये हमारा क्रॉस बैक हो गया, ये हमारा एक आर्म होल डेप्थ हो गया। अब यहाँ से हमने इसको जो है हमारा इस तरीके से जब हमने ड्रॉ किया, इसके अंदर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम इसका यहाँ पर ये देखिए हम इसका ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ करके, ये हमारा जो है आर्म होल रूलर होता है उसको फ्रंट रूलर भी देखते हैं, इसको हमने लिया, इससे हमने आर्म होल का ड्रॉ कर लिया। अगर कहीं थोड़ी बहुत सेट में लगा कि हमें सेट थोड़ी बहुत इधर उधर करनी है तो हम अपने हाथ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये करने के बाद में ये हमारा मेजरमेंट जो है ये हमारा 24 सेंटीमीटर जो है
ये हमारा आर्मोल का बैक का आर्मोल 12 सेंटीमीटर निकल गया है। इसी प्रकार से आपका जो फ्रंट का आर्मोल था वो भी मैंने आपको बताया था, वो 24 सेंटीमीटर आपका सरकम में बनता है आकर के। अब आप यहाँ पर देखें कि हमने ये 3 सेंटीमीटर ऊपर में 3 सेंटीमीटर नीचे हमने ये बेस का बस्ट लाइन का हमने बैक बस्ट का जो है ये हमने एक लाइन खींचा, और इस लाइन के अभी जब हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 46 सेंटीमीटर हम और क्वार्टरली हम उसको देखते हैं तो ये हमारा जो है 23 सेंटीमीटर हमारा जो है ये बनता है करके यहाँ पर 23 होगा। और ये हमारा टोटल फ्लैट में जब देखते हैं तो ये हमारा 46 सेंटीमीटर 43 सेंटीमीटर हमारा बस्ट जो है बैक का होगा। अब हमारा सेंटर बैक का लेंथ जो है सेंटर बैक टू वेस्ट सीम जो है ये हमारा लेंथ जो है ये हमने 38 सेंटीमीटर दिया है, और 3.5 सेंटीमीटर हमने इसका जो है बैक नेक ड्रॉप जो है ये हमने लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हमने एक डॉट जो है मेंशन किया, ये हमारा फैब्रिक जो है ये हमारा कट गया फैब्रिक। और यहाँ से इस लाइन से जब हम इसको काटेंगे ये हमारा ड्रॉप है, ये हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करने के बाद में और फिर इसी तरीके से हमने ये लाइन जो है ये ड्रॉ की। जब इस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने दोनों को नापा, नापने के बाद में हम कुछ भी रख सकते हैं समकक्ष, कुछ भी रखते हैं चाहे 2 सेंटीमीटर रखें चाहे 5 सेंटीमीटर रखें। इस तरीके से हम यहाँ पर एक नोच दे देते हैं, और ये नोच देने के बाद में क्या है कि हमारा ये नोच और ये नोच दोनों हमारा आपस में मिलेंगे, और ये हमारा यहाँ से ये हमारा बॉटम प्रिंट जो है ये हमारा दोनों पॉइंट जो है हमारे बराबर में आपस में मिलेंगे बैक में जुड़ जाएगी, और हमारी बैक की वेस्ट जो है ये हमारी 38 सेंटीमीटर जो है ये बनेगी आकर के। और टोटल अराउंड वेस्ट जो है हमारी ये फ्रंट और बैक की मिला करके, जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया आपको कि वहाँ पर उसकी 42 है और यहाँ पर इसकी 38 है, तो कुल मिला करके ये 80 सेंटीमीटर जो है ये सरकम आपका बनेगा। तो आप इस सरकम के अंदर जब आप ये देखेंगे कि भाई ये सरकम तो हमारा बहुत कम है, और किसी भी लेडीज़ का जो है शोल्डर पासिस जो है वो 100-105 के आसपास होता है, तो वहाँ से ये शोल्डर पासिस की वजह से जो ये हमारा ड्रेस या टॉप जो है जब हमारा फ्रंट से भी क्लोज होगा बैक से भी क्लोज होगा तो हमारा नीचे नहीं उतर सकता है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें साइड में इसका एक हम जिपर डाल देते हैं, जिपर डाल देंगे तो उससे हमारा जो है इजली जो है ये वहाँ से उतर जाएगा। अगर हमको इसका गला जितना हमने इसका दिया है, नेक हमने जितना दिया है, अगर हमने इसको इतना ही बनाना है तो हम यहाँ पर अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर हम स्लिप दे सकते हैं, जिससे हमारा ये हेड पास इसके लिए हेड पास इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा सर आसानी से निकल जाए। सर आसानी से निकलने के लिए आप ये देखेंगे कि आपका यहाँ का ये सरकम और फ्रंट का ये दोनों सरकम जो है ये कुल मिला करके आपका जो है नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर जो है ऑल राउंड 60 सेंटीमीटर उसका सरकम होना चाहिए। जब तक 60 सेंटीमीटर उसका सरकम नहीं होगा किसी भी लेडीज का या किसी जो है चाहे किसी गर्ल हो उसका जो है सर हेड जो है हेड पास प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहाँ से दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं तो हम इसको गिफ्ट साइड में गिफ्ट ना दे करके हम इसको बैक से ओपन भी कर सकते हैं, तो इसमें भी हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है, हम उसको कर सकते हैं। और उसके बाद में आइए हम आपको बताते हैं कि जो इसके नीचे अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमने जो है यहाँ से ये फोल्ड होगा, ये फोल्ड का निशान लगाया हुआ है, ये फोल्ड हो जाएगा डबल पेज हो जाएगा, ये डबल पेज होने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर का हमने एक स्कर्ट दिया है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल एज है इसकी, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर का जो है एक स्कर्ट जो है इसमें लगेगा, ये हमारा गैदर जो है ये यहाँ पर डल जाएगा, और ये पैटर्न कोड LD001 हमारा जो ये फ्रंट का स्कर्ट होगा। इसी तरीके से हमारा ये देखिए कि ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि फोल्ड लाइन जिसे बैक स्कर्ट लेंथ 25 सेंटीमीटर देन वेस्ट गैदर्स लाइक दिस गैदर, और ये हमारा साइड सीम होगा बस ये हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, और इसी तरीके से 25 सेंटीमीटर लेंथ में हमारा जो है बैक का स्कर्ट जो है ये तैयार होगा। बट क्या है कि यहाँ पर हमने इसको आप देख सोच रहे होंगे कि हमने इसको अलग अलग क्यों बनाया,
अलग अलग हमने इसलिए बनाया कि यहाँ पर हमारी गैदर का जो रेशो है, जो हम इसके अंदर 50% रेशो जो हम इंक्लूड करते हैं, इनफैक्ट जब हमारा यहाँ 40 सेंटीमीटर हमारा फ्रंट का वेस्ट है, इनफैक्ट 40 प्लस 20 हमारा 60 सेंटीमीटर, और हमारा जो ये बैक का जो है, बैक को आप देख रहे हैं कि हमारा 38 सेंटीमीटर है, तो आई थिंक 38 सेंटीमीटर प्लस उसके अंदर हमने 19 सेंटीमीटर हमने और उसमें इंक्लूड कर दिया, तो 19 सेंटीमीटर इंक्लूड करने का मतलब हमारा ये हो जाता है कि वो हमारा लगभग 60 सेंटीमीटर जो हो जाता है, यानी 57 सेंटीमीटर हमारा हो जाता है जाकर के, तो ये हमारा जो है ये 57 सेंटीमीटर का हमारा ये पार्ट होगा जो हमारा बैठने लगेगा। तो यहाँ पे यहाँ की गैदर और यहाँ की गैदर हमारी दोनों की रेशो जो है वो समकक्ष होगी, यानी कि 50% होगी। इस तरीके से आपका जो है ये गियर ड्रेस जो है ये प्रिंसेस लाइन के अंदर जो है प्रिंसेस लाइन ड्रेस, या आप इसको टॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैसे ये अभी फिलहाल जो है ये टॉप है, अगर आप इसको ड्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, और गले का साइज जो भी आप नेक जितना भी आपका रिक्वायर है आप उसको जितना भी रखना चाहें, आप इसको नेक को यहाँ से ये उतना ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप नेक इस तरीके से आपका जो है ये आपका पैटर्न जो है ये कम्प्लीट होता है, और ये आपको पैटर्न मेकिंग और पैटर्न डिजाइन प्रोसेस के माध्यम से आपको ये सब कुछ बताया जा रहा है, और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है यदि आप पैटर्न डिजाइन और पैटर्न मेकिंग का आप सीखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आप कहीं पर भी आसानी से बिजली आजकल जो है बहुत गारमेंट एक्सपोर्ट के अंदर आपको ट्रेनिंग से भी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो अगर आप पैटर्न डिजाइन का डिजाइनर हैं तो इनफैक्ट वहाँ पर आपको पैटर्न मेकिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें जो है डिजाइन से रिलेटेड होती हैं, तो यदि आपको किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आप हमसे जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।